Hello students, how are you all? I'm fine, ma'am. What about you? I'm also fine, beta. Thank you, and I welcome you in this session. Okay, आज के टॉपिक में हम चैप्टर सेकेंड से वोकैबुलरी जंक्शंस पढ़ेंगे, ओके? एंड इन दिस टॉपिक वी विल नो अबाउट द कंपाउंड वर्ड्स, ओके? वोकैबुलरी जंक्शन में हम कंपाउंड वर्ड्स पढ़ेंगे. Do you know what the meaning of compound? Compound means yogic, जुड़ा हुआ, ठीक है? So आपने देखा होगा English language में कई सारे ऐसे words आते हैं जो कि two words को मिलाकर बनते हैं, two या three words को भी मिला के कोई कुछ ना कोई ना कोई words बनते हैं, है ना? Yes, ma'am. So, can you think such name? ऐसे वर्ड्स जो कि दो वर्ड्स को मिला के बने हो? Backward. What बेटा? Ma'am, watchman. Watchman, very ma'am, good. Ma'am, watchman. Yes, very good. Mahat. Ma'am, backward. What बेटा? Ma'am, football. Football, yes. Mahak, आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही, क्या बोल रही हो? Backward. Backward, yes. प्रिया, यू टेल मैम. आफ्टरनून. आफ्टरनून दूर से देख देख के बोल रहे हो क्या आप? ओके प्रिया. और बेटा नोटबुक. आपकी आवाज नहीं सही जा रही है. नोटबुक. ओके सिद्धांत्री, व्हाट डू थिंक? You also, you have to give me one example of such word. What, beta? Ma'am, strawberry. Strawberry, very good. So, let's see. I am thinking I am going to share a book. Okay, no noise, beta. There should be no noise. चले देखते हैं. We will start by the line of story, by the line of the poem. Just as it gets dark in the evening and my mother send me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The land is dark and lonely, and the street lamp stand like a giant with wondering eyes in its head. So look at the word that is highlighted in the word bold letter: watchman and street lamp. Hai na? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Did you notice the word is in bold? They are made up of two words: watch plus man. अगर हम इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग पढ़ते हैं, अगर हम वॉच का मीन्स अलग देखें, वॉच मीन्स घड़ी, वॉच मीन्स घड़ी, वॉच मीन्स देखना, है ना? एंड मैन मीन्स पर्सन. सो इनका अलग अलग मीन्स हुआ. बट व्हेन वी ज्वाइन टू वर्ड्स, जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये बना वॉचमैन, एंड नाउ इट्स मीनिंग इज डिफरेंट. वॉचमैन है ना? वॉचमैन मीन्स a person who guard the home. I'm chowkidar. Chowkidar, yes. Aise hi look at the next word, street lamp. When we see the word street lamp, alag alag agar hum dekhe, street means a narrow road, a narrow way, narrow route. Matlab ek patla rasta, patli gali, hai na? Yes, ma'am. And lamp is light. So light. Street lamp मतलब सड़क गलियों में जलने वाली light lamp bulb. Okay. So what when two words join together to form a third word with a different meaning, the new word is called compound word. Okay. When two words join together, जब दो words को हम एक साथ जोड़ते हैं to form a third word. एक तीसरा वर्ड बनाने के लिए विद अ डिफरेंट मीनिंग. इसका
एक अलग अर्थ आता है. A new word is called compound words. तो जो एक नया वर्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड. ओके स्टूड. यस मैम. कंपाउंड वर्ड्स आर थ्री टाइप्स. कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं. क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, ओपन कंपाउंड वर्ड्स एंड हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. ओके मैरी गो राउंड. क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, व्हाट आर द क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स? कैन यू गेस मैम? यस अविरल. मैम ऐसे कंपाउंड वर्ड जिसके बीच में स्पेस ना हो. वेरी गुड. जिसके बीच में स्पेस हो मींस जैसे कि अगर हम उनको अलग करते हैं तो अलग करने पर उनकी मीनिंग टोटल डिफरेंट हो, बट जब हम उनको जोड़ देते हैं तो वो एक दूसरे में ऐसे मिल जाए जिसमें जिससे एक नया वर्ड बन जाए, है ना? यस मैम. तो वो होते हैं क्लोज, मींस एकदम एक दूसरे में जुड़ जाना और नया अर्थ बनाना, है ना? अब देखिये आफ्टरनून, अगर मैं आफ्टर की बात करूं, आफ्टर मीन्स बाद में एंड नून मीन्स दोपहर, है ना? लेकिन इन दोनों अलग अलग वर्ड्स को हमने जब जोड़ दिया तो एक नया वर्ड बन गया आफ्टरनून मीन्स दोपहर के बाद का समय. ओके यस मैम. टू गेट द नेक्स्ट वर्ड फायर फ्लाई. अब अगर हम फायर को देखें तो फायर मीन्स आग, आग एंड फ्लाई मीन्स उड़ना. fly means उड़ना या fly is also called fish. मक्खी को भी तो बोलते हैं fly. yes ma'am. अब इन दोनों को join करने पर firefly, it is the different word firefly, आग से खेलने वाली मक्खी. okay next. yes ma'am. sunflower. sun is nouns and also flower is noun. sun means सूरज. yes. and flower means फूल. मैम फूल. सनफ्लावर अब बोलते हैं बस सूरज का फूल तो अलग होगा ना. सूरज का फूल तो होगा नहीं, सूरजमुखी एक अलग वर्ड हो गया सनफ्लावर, है ना? क्लियर? ऐसे ही लुक एट द नेक्स्ट वर्ड एवरीवन. एवरी मीन्स प्रत्येक, वन मीन्स एक, हर कोई. एवरीवन मिलने पर एवरीवन बन गया, है ना? यस मैम. नेक्स्ट देते हैं ओपन कंपाउंड वर्ड्स. अभी हमने पढ़ा क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स, नाउ वी विल नो अबाउट द ओपन कंपाउंड वर्ड्स. मतलब ऐसे वर्ड्स जो ओपन हो, जैसे आइसक्रीम. अब अगर वैसे इन दोनों को मिलाकर एक वर्ड बना आइसक्रीम, लेकिन देखने में भी है अलग अलग दिख रहे हैं. आइसक्रीम, आइस किया हुआ मीन्स ठंडा किया हुआ. क्रीम, आइस मीन्स क्रीम. आइस मीन्स क्या होता है? मतलब बर्फ. बर्फ. And cream is? Ma'am, malai. Yes. ठंडी की भी मलाई बन जाती है आइसक्रीम. हम बहुत चाव से खाते हैं आइसक्रीम, है ना? Yes, ma'am. Okay. So ice cream is open compound words. Next आपका coffee mug. Coffee mug. It's also open compound words. देखिए बीच में gapping है. दिख रहा है it is open compound words, है ना? Yes, ma'am. Full moon. Yes, ma'am. Head office. Lawn tennis. Lawn tennis and? Dinner table. Dinner table. Yes, yes. I think Abhil is looking the book and he is telling many, many words. Okay, चलिए ठीक है, अच्छी बात है. नकल करने के लिए नकल चाहिए. Okay, next. ना बेटा ईमानदारी से ऑनेस्टली भाई एक एक वर्ड सभी सोच के बताएंगे ओपन कंपाउंड वर्ड से. ओपन फिंगरप्रिंट्स. कहते फिंगरप्रिंट्स लेना है. फिंगरप्रिंट्स मैम ये तो क्लोज कंपाउंड्स हो गए. अलग अलग होता है ना फिंगरप्रिंट्स. मैम प्री प्राइमरी. प्री प्राइमरी. यस वेरी गुड. रीजॉइन. महक.
मैम टॉप वीडियो. टॉप वीडियो ओके. अभी आप लोग सर्च करना फ्री माइंड से, ठीक है, और उसके बाद से लोड करना यही पे. नेक्स्ट आपका हाइपनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. हाइपन, व्हाट डू यू मीन बाय हाइपन? हाइपन से बना है हाइपनेटेड. डू यू नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हाइपन? नो मैम. हाइपन मीन्स होता है जोड़ने वाला, योजक चिन्ह. जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना योजक चिन्ह, जैसे आपको अभी आपने देखा होगा जब व्हेन वी आर राइटिंग सम एनी सेंटेंस और एनी वर्ड, जो कि अगर यहाँ पे नोटबुक में लाइन स्पेस कम हुआ तो हम बीच में एक योजक चिन्ह बनाकर उसका अधूरा पार्ट दूसरे लाइन में लिख देते हैं, है ना, करते हैं ना. ऐसे ही कोई भी वर्ड हुआ बीच में हम योजक चिन्ह लगा के अधूरा पार्ट बाद में लिख देते हैं, है ना. सो हाइपन मीन्स होता है योजक चिन्ह. सो ऐसे वर्ड्स, कई सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो कि हाइपनेटेड कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जिनको हाइपन लगाकर हम कंपाउंड वर्ड्स बनाते हैं. क्लियर? यस मैम. अब देखिए मेरी आपका एक अलग वर्ड हुआ, गो अलग वर्ड हुआ, राउंड अलग वर्ड है. इट इज अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स. एंड वी आर यूजिंग, वी आर ज्वाइनिंग, वी आर कंबाइन दीज वर्ड्स यूजिंग द हाइपन, है ना. देखिए बीच में हाइपन बना हुआ है, बना हुआ है ना, योजक चिन्ह, जोड़ने वाला चिन्ह. यस मैम. क्लियर है ना? यस मैम. एनी प्रॉब्लम? नो मैम. नेक्स्ट, ब्रदर इन लॉ. ब्रदर डिफरेंट वर्ड, इन डिफरेंट वर्ड, लॉ डिफरेंट वर्ड. ब्रदर इन लॉ को हमने जोड़ दिया यूजिंग हाइपन, है ना. यस मैम. नेक्स्ट, टू थर्ड, टू थर्ड, हश हश. ओके, क्लोज कंपाउंड वर्ड में फुटबॉल, नोटबुक. ओपन कंपाउंड वर्ड्स, लॉन, टेनिस, डिनर टेबल. हाइपनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, अब्सेंट माइंडेड, हैंड पिक्ड, मिस हाथ से उठाया हुआ, है ना. अंडरस्टूड? क्लियर? आई थिंक ये क्लियर होगा सभी को. हाइपनेटेड कंपाउंड वर्ड्स, क्लोज कंपाउंड वर्ड्स एंड ओपन कंपाउंड वर्ड्स. Yes, ma'am. Now we have to solve the exercises, okay? Underline, yes, ma'am. Underline the compound words in these sentences. I had butterflies in my stomach before the dance recital. Okay, sorry. Ma'am, butterfly. Butterflies. Okay. Silent Avril. Anybody else? Priya, what do you think? Butterflies. Butterflies, good. Okay, Priya, what do you think? Priya ke baad koi aur dekh lu ek baar. Yes, Arun. Arun, what do you think? Butterflies. Which type of compound words? Close, open, or hyphenated? Ma'am, close. Ma'am, close. Close. Okay, Siddhartri, what do you think? Close compound. Close compound words. Okay, Priya. Close compound. Why? ये बटरफ्लाई एक एक दूसरे में जुड़े हुए क्लोज कंपाउंड वर्ड्स हैं. ओके, मींस बटर एंड फ्लाई तो डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो जुड़कर एक डिफरेंट मीनिंग निकाल रहे हैं, है ना. जब ये जुड़ते हैं तो डिफरेंट वर्ड्स बनता है जिसका डिफरेंट मीनिंग है, है ना. बटरफ्लाईज, वैसे बटर मींस मक्खन, फ्लाई मींस मक्खी, है ना. लेकिन इनको जोड़ते हैं तो बटरफ्लाईज, बटरफ्लाई मीन्स मधुमक्खी. नो मैम. नो, बटरफ्लाई मीन्स तितली. ओके, गुड. ओके, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. वी स्टैक द लॉग्स इन द बैकयार्ड. वी स्टैक द लॉग्स इन द बैकयार्ड. मैम, महक महक. वेट वेट, व्हाट बेटा? बैकयार्ड. ओके अविरल, व्हाट डू थिंक? Which type of compound words is it? Ma'am, close compound word. Close compound words. Why? Can you explain to me? Ma'am, because there is no space and this is different words meet and make a different word. Different meaning. Okay, very good. Backyard, yes, means, ma'am. Do you know what's the meaning of backyard? Ma'am, aangan.
यस, पीछे घर के पीछे साइड में जो आंगन होता है बैकयार्ड बोलते हैं. कोर्टयार्ड जो आपके हाउस में बीच का जो आंगन होता है उसको हम कोर्टयार्ड बोलते हैं. बैकयार्ड पीछे वाला बालकनी. ओके, पीछे वाला आंगन. यस मैम. ओके, लुक एट द सेंटेंस नंबर सी. मारिया वांट्स अ स्ट्रॉबेरी केक फॉर हर बर्थडे. मारिया वांट्स अ स्ट्रॉबेरी केक फॉर हर बर्थडे. मैम आप बताइए. मैम हम नहीं, बड़े बच्चे आप सभी. ओके मैम, मैं आई टेल. ओके आई विल टेल मैम. स्ट्रॉबेरी एंड बर्थडे. अच्छा, बर्थडे में भी है. ओके महक. मैम स्ट्रॉबेरी एंड बर्थडे. प्रिया व्हाट डू थिंक? स्ट्रॉबेरी एंड बर्थडे. आर यू श्योर या फिर सुनकर बोल रही हो? श्योर. ओके यस मैम. अरुण जा चुके हैं. ओके सिद्धार्थी, सिद्धार्थी अनम्यूट योरसेल्फ. सिद्धार्थी माइक ऑन करिए बेटा. सभी रिप्लाई करते तो अच्छा लगता है, सेशन अच्छा चलता है. ओके सो वेरी गुड. स्ट्रॉबेरी एंड बर्थडे, दीज आर द कंपाउंड वर्ड्स. एंड विच टाइप ऑफ कंपाउंड वर्ड्स मैम? यस महक. मैम क्लोज. क्लोज. ओके गुड. अविरल व्हाट डू थिंक? क्लोज और ओपन? मैम क्लोज कंपाउंड. मैम क्लोज. क्लोज कंपाउंड वर्ड्स. यस. लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस. आदित्य फॉरगॉट टू ब्रिंग हिज इंग्लिश टेक्स्ट बुक टूडे. मैम आई टेल. प्रिया, प्रिया यू टेल. टेक्स्ट बुक. ओके यस विरल व्हाट डू थिंक? मैम टेक्स्ट बुक. यस महक. मैम टेक्स्ट बुक. मैम फॉरगॉट एंड टूडे. मैम फॉरगॉट एंड टूडे. मैम भी सोच रहा हूँ. फॉरगॉट एंड टूडे भी है. यस मैम. Forgot textbook today, है ना? Today, yes ma'am. Okay, these are close compound. Close compound word. Close compound words. Okay, good. Look at the next sentence. My parents are planning to get our house whitewashed before Diwali. My whitewashed. महक टेल बेटा. मैम व्हाइट वॉश. ओके यस गुड. अविरल. मैम व्हाइट वॉश्ड. व्हाइट वॉश्ड गुड. प्रिया. व्हाइट वॉश्ड. ओके सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू ऑल, है ना? यस मैम. बेटा बट यू नीड टू कंप्लीट योर वर्क. आप लोग होमवर्क सबमिट नहीं करते, ये आप लोग से मतलब ये मुझे अच्छा नहीं लगता. मैम मैंने किया आज की हो ना? उस दिन मैंने होमवर्क दिया था, आपका नहीं आया था, सिर्फ महक का आया था बस. प्रिया आप होमवर्क कभी नहीं करती हैं. मैम मैंने फोटो दही भेजा था पर डिलीट हो गया था गलती से, फिर मैम मैंने आज भेजा. हाँ बेटा हर दिन होमवर्क कर दिया करिए, क्योंकि होमवर्क करेंगे आप, रिप्लाई करोगे, रिएक्शन करेंगे, जो भी रिएक्ट आप जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी. ठीक है? यस मैम. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी व्हेनेवर इन लाइव क्लासेस और इन द व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो अपना क्वेश्चन लिखकर. मैम जब लाइव क्लास लेंगी बता दिया करेंगी. ओके यस मैम. नेक्स्ट. So it is work for today. Exercise number one आपको अभी आज करना है. टू भी देख लेते हैं. Fill in the blanks with the with a compound words. Use the clue given in the brackets for help. Fill in the blanks with the compound words. Use the clue given in brackets for help. Generous का use करते हुए आपको यहाँ पे fill करना है compound words. मैम जीनियस.
बेटा यहाँ एक क्ल्यू है, आप जनरस का सिमिलर वर्ड्स क्या हो सकता है जो कि कंपाउंड में आता हो? देखिए यहाँ पे जनरस जो आपका ये अलग वर्ड है, जनरस में होता है नेक, ईमानदार, नोबल पर्सन, ठीक है? Yes, तो आपको ऐसे इसका एक सिनोनिम्स ढूंढना है जो कि कंपाउंड वर्ड्स में आता हो, क्या हो सकता है? मैम honest it is अपने आप में ये it is different type of words, compound नहीं है. Honest को अलग करो तो कौन सा word अलग करोगी? नहीं हो पाएगा ना. Yes ma'am. तोड़ नहीं पाएंगे इसको हम, ठीक. Very easy. जो दया करता है वो क्या होता है? बेगर को सर देने वाला क्या होगा? A person, a man who gave the beggar a shelter for the night, very kind-hearted. Kind-hearted हो सकता है ना? Yes, ma'am. Kind-hearted में दया की भावना रखने वाला है ना? Compound yes, हो गया. Yes, ma'am. And अगर हम kind hearted लिखते हैं, so which type of compound words is it? Kind hearted. Ma'am, open. Ma'am. Open. No. Hyphenated होगा, because यहाँ पे हम hyphens use करेंगे, बीच में dash लगा होता है kind hearted. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Understood. So yes, look at ma'am. The next. अभी आप लोग सोचेंगे, okay? Mix the medicine in water. Mix this medicine in water, not very hot. जो ज्यादा गर्म ना हो. ऐसे क्या हो सकता है? अब आप लोग सोच करेंगे, मैं आज नहीं बताऊंगी इसको. यू हैव टू थिंक. एक बता दिया, यू हैव टू थिंक एंड कंप्लीट. आप ऐसा वर्ड सर्च करेंगे जो नॉट वेरी हॉट से रहे, ठीक है? और जो कि कंपाउंड में आता हो. विल यू डू इट? यस मैम. ओके, लुक एट द नेक्स्ट. लीना वांटेड अ फॉर डिनर मेड विथ ब्रेड. ऐसी चीज जो कि ब्रेड से बना हो. चलिए इसको भी सर्च करना, माइंड यूज करना. सैंडविच, वेरी गुड. एनीबडी एल्स? और भी कुछ हो सकता है सर्च करना? ओके, नेक्स्ट. आवर स्कूल इज टेकिंग अस टू असम फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक समय को दिखाए, एक लंबे समय को. इसको भी सर्च करना. Sheila gifted me a novel along with a beautiful something that help you remember. Miss SC, something that help you remember the page you are reading. जो कि page. Ma'am, page number. Ma'am, page number. Page number हो सकता है. लेकिन यहाँ पे देखिए, Sheila gifted me a novel along with beautiful. मतलब Sheila ने मुझे gift किया एक novel. Novel miss? उपन्यास की बुक, ठीक है? नॉवेल. यस मैम. अलोंग विद अ ब्यूटीफुल, जिसमें था बहुत सुंदर चीज. वो क्या लगा हुआ था? सोच के करना इसको. इट्स वर्क फॉर टुडे कर दूं या फिर नहीं? हाँ टुडे करना, क्योंकि कल संडे. आराम से करना इसको सोच के. ओके, विल यू डू इट? यस मैम. एक्सरसाइज नंबर 3, इट इज वेरी वेरी इजी. देखते हैं कितने लोग कर पाते हो. Identify the compound words with the help of these pictures.
What is this? मैम वीट डो मतलब जब हम आटे को फ्लोर को गीला करते हैं ब्रेड बनाने के लिए रोटी बनाने के लिए तो उसको बोलते हैं डो मतलब गीला आटा ओके नेक्स्ट यस मैम इट इज ड्राई फ्रूट मिक्स करने पर क्या बनता है थिंक फ्रूट ड्राई फ्रूट फ्रूट ड्राई फ्रूट वर्ड बन सकता है आप तो ऐसे कॉमन वर्ड्स पे सर्च कर जो कंपाउंड में आता हो चलिए इसको भी सोचना आप लोग पिक्चर देख देख के वर्ड सर्च करना नेक्स्ट इट इज पेज एंड इट इज पिक्चर पेंट पिक्चर मैम या फिर पेंटेड पिक्चर ओके कुछ और कलरफुल पिक्चर फोटो फ्रेम यस मैम यस मैम ओके लेकिन आप लोग सर्च करेंगे अब मैं एक ही बता दी बाकी नहीं बताऊंगी नेक्स्ट Look at the next paper back. Paper back. What is paper back? अगर आप लोग सुनोगे ना टीचर बोलते हैं पेपर टाइम अगर आप एग्जाम में प्रेजेंट नहीं रहोगे तो आपका बैक पेपर नहीं होगा दोबारा से पेपर नहीं होगा बैक पेपर यस मैम बैक को सो करा मतलब ये नहीं बैक बैक में फिर से ओके नेक्स्ट बेंच एंड वॉच मैम दिस वो वॉच नहीं है मैम वेट लिफ्टिंग मशीन है यस बेटा ध्यान देना बेंच के नीचे कुछ हाईलाइट भी किया जा रहा है यस मैम हर स्टेप भी वेरी इजी हरी अप मैम फ्लोर कंपाउंड वर्ड्स बनाइए कहते ना कि हम ज्यादा खा रहे हमारी वेट जो है वो मैम फैटी नो सोचना आप लोग दिमाग लगाना मैं नहीं बताऊंगी हम Very easy, बिल्कुल क्लियर है लुक एट द पिक्चर इट इज वे मशीन एंड इट इज बेंच बेंच के नीचे एरो हाइलाइटेड है बेंच के नीचे मतलब बेंच के अंडर हाइलाइटेड है एरो मैम शैडो मैम शैडो नो मैं नहीं बताऊंगी अभी आप लोग सर्च करना वेट थोड़ा माइंड यूज करिए मैम गिरना हम जब ओवर एट कर रहे हैं वेरी गुड अंडर रेट होगा यहाँ पे ओके बिल्कुल क्लियर है बेंच के अंदर एरो है ये वे मशीन है अंडर वेट ओके तो इसको भी करना बाकी आप सोच के अभी शी E, F, बच्चा इसको भी सोचना फर्स्ट वाला सोचना बी वाला सोचना बी वाला बता दिया मैंने बी सी हो गया सो यू हैव टू थिंक एंड कंप्लीट इट ओके मैम अभी और बचे हैं यस यस एक्सरसाइजेस बचे हुए हैं अभी मैम ई और एफ वही तो मैंने बोला ई एफ आपको करना है सोच के अब मैं नहीं बताऊंगी आप पिक्चर देख के मैच करना है इसको अब इट्स अ वर्क ओके जेली एंड फिश जेली फिश वेरी गुड Jellyfish. Okay. चलो ठीक है आगे सोचना Now that you we guess the words from the picture, write their real meaning. Can you guess the connection between the meaning of the individual words and the meaning of the resultant compound words? मतलब क्या बना सकते हैं compound words ऐसे लिख के फिर बता करना Okay. And question number 4 आपका
here are some words. Think of at least eight compound words with any of these words. इसमें आपको at least eight compound words search करना है. You can even use words of your own. अपना खुद का words use कर सकते हैं. Next, draw the picture of illustrate the compound words. Once you have drawn the picture, ask your friends to guess the compound words from the picture. It's work for मतलब आपके पास 2 days का time है. आप next night class में से पहले आपको ये सारी suggest करनी है. Okay? इसमें करना क्या है? You have to use the words. इन words का use करते हैं आपको compound words बनाने हैं. इसके बाद जैसे पिक्चर में शो किया गया है ना, जैसे बेंच के नीचे अंडर शो किया गया, फिर वे रखा हुआ है अंडर वेट बनाने बताने के लिए, है ना, ऐसे ही आपको पिक्चर बना के शो करना है. yes. वर्ड्स बनाएंगे फिर पिक्चर से शो करेंगे और गेस करने के लिए कहेंगे, जैसे मैम आप लोग से गेस करने के लिए कर रही थी अभी. ओके मैम, देख लेती हूँ. यस मैम. एटलीस्ट अभी वन वन तो बनाइए तुरंत. यूज दीज वर्ड्स, नेल, लाइट, पेपर, वाटर, टूथ ब्रश, रूम, नाइट, बोर्ड, बोर्ड, रेस, बुक. यूज मेक टू टू वर्ड्स, सभी दो दो बना के बताएंगे. हरी अप, कंपाउंड वर्ड्स. टूथ ब्रश वन बाय वन, यू हैव टू शो योर हैंड. ऐसे बोलना नहीं है, टू टू सबको अपना डिफरेंट बताना है. इफ यू नो आंसर यू हैव टू शो द हैंड. यस अविरल, बुक भी मैम, पेपर बुक, पेपर बुक मैम, लाइफ. नेक्स्ट हाईलाइट. व्हाट हाईलाइट? हाईलाइट 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 है मैम. टूथब्रश टूथब्रश. ओके मैम, वो तो night room. Ma'am, boat race. Very good, boat race. Yes. अब board बनाना पड़ेगा. Board बनाना पड़ेगा. Listen, अगर आप listen to me, अगर आप boat race choose करते हैं, so that you have to show the picture. Boat का picture बनाएंगे plus race का picture बनाएंगे, race करते हुए. Okay. Yes. चलिए नेक्स्ट क्या. यस मैम, टेल मैम. बोल्ड पेपर. बोल्ड पेपर, बोर्ड पेपर. यस, बोर्ड बना देंगे, पेपर बना देंगे. हो सकता है ये बोर्ड पेपर ही हो. फ्रेमवर्क है ना. यस मैम. ओके नेक्स्ट. हरी अब प्रिया, आपने बताया नहीं अभी. प्रिया यू टेल मैम. लाइट पेपर. लाइट पेपर हो सकता है. यस चलिए ठीक है, आप लोग इसको करना और बनाना. मैं देखती हूँ आप लोग क्या करते हैं. ओके अभी से साइज नंबर हम बुक सी से भी डिस्कस कर लेते हैं. Come to the next point. Ma'am. Yes, Abhiram. Ma'am, I'm... Wait, wait. आवाज भी नहीं आ रही है. Yes, tell. Ma'am, हम लोग, ma'am, हम अपने words से भी बना सकते हैं. Yes, yes. यहाँ पे है, आप अपना भी words use कर सकते हैं. Okay. Yes, ma'am. करेक्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट. ठीक है, द लिटिल बॉय हैड अ लेडी बग या लेडी बग, कैसे लिखेंगे लेडी बग? क्लोज करके या ओपन?
क्लोज कंपाउंड वर्ड्स हो गए ओपन. मैम ओपन कंपाउंड वर्ड. लेडीबग अलग अलग लिखा होता है. यस क्लोज कंपाउंड लेडीबग. ओके नेक्स्ट चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंट एड टू द नेपाल. अर्थक्वेक और अर्थक्वेक व्हाट इज कंपाउंड या फिर ओपन या फिर हाइपन हाइपनेटेड. कंपाउंड मैम फर्स्ट वाला ना अर्थक्वेक कंपाउंड क्लोज कंपाउंड क्लोज कंपाउंड. सो इट्स वेरी इजी आई थिंक कर लेंगे सभी. यस मैम. ओके नाउ इट इज अ पजल. Complete the crossword with the help of clue. Clue ki help se. We use these when we want to eat Chinese the authentic way. Matlab hum isko use karte hain. Chinese. Jab koi food item khate hain. Kya ho sakta hai? Cross mein aapko karna hai. Ab is, ye bhi aapka mind hai. Ab isko bhi karna. Uske baad next session mein hum discuss karenge. Okay? Kyunki time over ho chuka hai abhi. Yes ma'am. अविरल यस मैम. अविरल डिस्कनेक्ट हो गया. ओके सो बेटा आज का वर्क जो बताया गया आप लोग करिएगा. नेक्स्ट बुक्सी वाला हम एक बार फिर से डिस्कस कर देंगे. करिएगा कोशिश करिएगा. नहीं आएगा तो मैं फिर से डिस्कस कर दूंगी. ओके चलिए ठीक है आज के लिए गुड बाय. टेक केयर एवरीवन.